वेलकम टू जी एस गढ़ मेरा नाम है भुवनेश प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय महापुरुषों के प्रसिद्ध नारे दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से आज की इस वीडियो में सभी को शामिल किया गया है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल पहला सवाल है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था तो यह दिया था महात्मा गांधी ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था करो या मरो का नारा किसने दिया था तो यह नारा भी दिया था महात्मा गांधी ने ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखना महात्मा गांधी जी ने नाइनटीन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उसी आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा दिया था अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आराम हराम है का नारा किसने दिया था आराम हराम है का नारा किसने दिया था तो यह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने ऑप्शन से करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था तो यह नारा भी दिया था जवाहरलाल नेहरू ने ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखना 1929 में लाहौर के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं और पूर्ण स्वराज्य का नारा देते हैं अगला सवाल देखते हैं दोस्तों वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था तो यह दिया था दयानंद सरस्वती ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया था जय हिंद का नारा किसने दिया था तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था तो ये नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तो मैं आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था तो ये नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो ये दिया था हसरत मोहानी ने ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मगर इस नारे का इस्तेमाल किया था भगत सिंह ने और इस नारे को प्रसिद्ध बनाया था किसने भगत सिंह ने अगला सवाल देखते हैं दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था तो यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने ऑप्शन इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था तो ये दिया था मंगल पांडे ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों साइमन गोबैक का नारा किसने दिया था साइमन गोबैक का नारा किसने दिया था तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो का नारा किसने दिया था तो यह नारा दिया था स्वामी विवेकानंद ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था तो यह नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने किसने दिया था जयप्रकाश नारायण ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था तो ये दिया था भगत सिंह ने ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की है तो ये की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम की रचना की थी इसी आनंद मठ में वंदे मातरम की रचना की थी God, nice, याद रखना दोस्तों इसको अगला सवाल देखते हैं भारत के गान जनगण मन की रचना किसने की है भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना किसने की है तो ये की है रविंद्रनाथ टैगोर ने ऑप्शन इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है श्याम लाल गुप्त पार्षद ने श्याम लाल गुप्त पार्षद ने ऑप्शन डीज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है मोहम्मद इकबाल ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मगर इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सवाल देखते हैं दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है पंक्तियों को किसने लिखा है तो ये लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर तो दोस्तों आज के सवालों को हमने कर लिया अब डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चलिए देखते हैं उन पॉइंट्सों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था तो दोस्तों याद रखना भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम और इसकी रचना करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसमें अपने उपन्यास आनंद मठ में और ये पहली बार गाया गया था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्लियर है दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं राष्ट्रीयगान जनगण मन की रचना रविन्द्र टैगोर ने की थी राष्ट्रीयगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था तो भारत का जो राष्ट्रीयगान है वो है जनगण मन और इसकी रचना करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने और ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था अगला पॉइंट देखते हैं और दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था तो याद रखना दोस्तों चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को किसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो तो कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना